हाँ गुड मॉर्निंग शिवानी। सर, इस हफ्ते में पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं और कोशिश करते हैं हम कि हम छोटे से बात आके जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे जो ओवरऑल मार्केट पर एक बहुत अच्छा हमें व्यू दे देते हैं ना, उनसे जुड़े। सर, आज हम बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं, निफ्टी आपको और बैंक निफ्टी जो है वो किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है आज? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी भी थोड़ा संभल रहा है और मेरे ख्याल से कल का जो गिरावट आई थी कल बाजार में, वो ज्यादातर ग्लोबल न्यूज के कारण थी। मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हो गए हैं और हो सकता है कि आने वाले एक दो दिनों के लिए मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगी। आई थिंक 17,000 का जो लेवल है निफ्टी का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 17,000 निकल जाता है तो मेरे ख्याल से निचला लेवल भी हमको दिखेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर आएगा। और ये चाइना का जो मसला हो गया है, एवरग्रिड ये जो रियल एस्टेट कंपनी है वहां की, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये है कि इंडिया को फॉरेन निवेशकों का काफी ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि चाइना में ये सारे प्रॉब्लम्स होने के कारण वहां पे काफी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली कई पॉजिटिव्स है, कई नेगेटिव्स है। इनफैक्ट मेटल सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है स्टील का और काफी भारी मात्रा में कीमतें गिरी है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट ओवरऑल 17,000 नियर टर्म के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। और ऊपरी लेवल के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट्स के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर रहेगा। आई मीन मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी थोड़े से स्टेबल जरूर हुई है, लेकिन भरपूर तेजी देखने के लिए शायद आपको 8-10 दिन रोकना पड़ेगा। ठीक है, भरपूर तेजी जो एक बार फिर से है वो आप देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत रुक कर चल रहा होगा और आने वाले समय में जो तेजी जिसकी उम्मीद की जा रही है वो आप उसे एक बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये तो आपकी राय एक बार हमें बता रहे हो तो किस तरीके से आप देख रहे हैं वो हमने जान लिया है। इस वक्त सर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आपको कोई खास सेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, या ऐसा कुछ किसी स्टॉक को लेकर आप स्टॉक स्पेसिफिक होते चलेंगे या सेक्टर स्पेसिफिक? मुझे लग रहा है, देखिए सेक्टर स्पेसिफिक मैं समझता हूँ कि एग्रोकेमिकल्स है, फिर आपका ऑटोमोटिव है, उसके बाद कैपिटल गुड्स है, ये सारे सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि मौके अभी भी मिलेंगे। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक में अगर बात करूँ तो एग्रोकेमिकल में हमको यूनाइटेड फॉस्फोरस काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि ये अच्छा विकल्प है, इवन करंट लेवल्स पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 950-960 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पे कंफर्टेबली आ सकता है, अगर किसी को 6 से 12 महीने की अवधि रखनी है। उसके बाद ऑटोमोटिव में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से बिजनेस स्लोली स्लोली कमर्शियल व्हीकल्स में बढ़ रहा है, तो अशोक लेलैंड पे नजर रखिए, अशोक लेलैंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और कैपिटल गुड्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं मानता हूँ कि जो कंपनी हमने आपके चैनल पे बहुत पहले की थी, KSB लिमिटेड, ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी करना है तो मेरे ख्याल से जरूर करिए, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो गिने चुने मौके हैं शिवानी, जो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को कभी भी बाजार गिरता है थोड़ा सा डील मिले तो डेफिनेटली इसको मैं खरीदारी करनी चाहिए। ये कुछ विकल्प जहाँ पे सर को जो है मौका नजर आ रहा है। सर, अशोक लेलैंड के अगर मैं खास तौर पे बात करूँ तो आप क्या आपको लगता है कि इस समय हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? यार मुझे लग रहा है कि देखिए ये लेवल पे भी अगर कोई एंटर करता है तो मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार के इंडस्ट्री ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, 25-30% इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, प्लस कमर्शियल व्हीकल की स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, और जिस प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं कि GDP 9% के ऊपर बढ़ेगा, तो ये सारे फैक्टर्स अशोक लेलैंड के लिए पॉजिटिवली प्ले आउट होंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 180-190 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आने वाले 12 महीने कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, आने वाले 12 महीने कंपनी के अच्छे रहेंगे। अशोक लेलैंड में एक दमदार सबकी जुलाई में वो हमें मिलती होंगी और ये सबसे अच्छी चीज रहती है कि जब भी हम हमारे ऐसे एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं जो फंडामेंटल्स पर बात करते हैं तो हमें एक ऐसी राय मिलती है जहाँ पे केवल जाप ही नहीं बल्कि फंडामेंटल्स भी काफी दमदार है, तो वहां पर इन्वेस्ट करने में आपके पास एक डबल सिक्योरिटी होती है कि यहाँ पर अच्छा जो मुनाफा है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो ये सारी जो स्टॉक्स आपने बताए हैं कुछ इन पर हम नजर बना के रखेंगे। अब मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगी सर, सुयश सिंह मौजूद है हमारे साथ, क्वालिकैप पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि देखिए पॉलीकैब एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड केबल कंपनी है, और सबसे बड़ी बात इनके पास एक FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का पोर्टफोलियो है जो काफी प्रॉफिटेबल है।
और सबसे बड़ी बात काफी बड़ा ब्रांड है, इनफैक्ट इनके मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज है, स्टॉक इसके लेवल से काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। तो अगर ये खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया रखें, क्योंकि अभी इस लेवल से शेयर को और ऊपर जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हालांकि नंबर्स यू नो इस क्वार्टर में अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि कॉपर के प्राइसेस बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े, कॉपर इनके लिए बहुत बड़ा एक रॉ मटेरियल है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीदे ताकि इनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2700-2800 तक भी जा सकता है, और इसमें पोटेंशियल है। कंपनी वेल मैनेज्ड है, एफआईएस को भी पसंद वाली कंपनी है, तो इसमें अगर आप 6-12 महीने का टाइम फ्रेम यू नो टाइम स्पेंड कर सकते हो तो इसमें अच्छा यू नो प्राइस और भी इस लेवल से आ सकता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, क्योंकि आने वाले 6-12 महीने में और थोड़ी यू नो तेजी स्टॉक में आएगी तो थोड़ा सा और मुनाफा इनको होगा। देखिए हाउसिंग फाइनेंस मार्केट मेरे हिसाब से स्लोली स्लोली रिकवर हो रहा है। अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। कोविड के टाइम पे भी यू नो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ने अच्छा काम किया है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है तो ये काफी बेहतरीन कंपनी है, चौथी लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद पीएनबी जो इनका पेरेंट है वो ये कंपनी डाइवेस्ट करके किसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को बेचेगी, तो ये अगर आता है तो इसमें डेफिनेटली अच्छी तेजी हो सकती है, तो इसमें जरूर एक खरीदने का मौका मिल रहा है। देखिए सीएससी कलकत्ता इलेक्ट्रिक का जाना जाती थी और कलकत्ता में पावर जनरेशन का काम करती है। मेरे ख्याल से देखिए काफी पावर जनरेटिंग कंपनियां बढ़ गई है, जैसे कि टाटा पावर है, टोरेंट पावर है। मार्केट में अनुमान है कि टैरिफ में कोई बढ़ोतरी आएगी। दूसरी बात काफी पावर कंपनीज अभी सोलर में और रिन्यूएबल में डाइवर्सिफाई कर रही है, तो मेरे ख्याल से इनको अगर के लिए पोजीशन लेनी है तो थोड़ा सा एक्युमुलेट कर सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे स्टॉक्स यू नो जल्दी ऊपर नहीं जाते, उनको थोड़ा समय लगता है। तो कम से कम साल सवा साल का अगर टाइम फ्रेम है तो ये लेवल से ये खरीद सकते हैं। यहाँ से हमको लग रहा है 15-20% ट्रेड इवन करंट लेवल से पॉसिबल। सवाल अभी मैं आपसे लेती हूँ। उससे पहले विनोद को भी एक सवाल आया हुआ है। जी